नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन। जिले की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई खबर आपसे छूट ना जाए। खैर, अब बात करेंगे सायहापुर के इस खास बुलेटिन की। निगोही क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने 8 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। सूचना के बाद क्षेत्रीय विधायक रोशन लाल वर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही जाम खुल सका। फिलहाल पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाली पिकअप को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तेलहर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यहां बाजार बंदी के दिन भी अपने प्रतिष्ठान खोलने वाले 8 व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल जसवीर सिंह का कहना है कि यहां लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तेलहर में हुई बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल दी। यहाँ हल्की बारिश के बाद नगर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। वहीं सड़कों पर जलभराव होने के बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिला। कांठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं अभियुक्तों के पास से 2 नाजायज चाकू भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास से बरामद की गई 2 अपाचे मोटरसाइकिल को भी अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तिलहर नगर के मोहल्ला 12 पत्थर में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाए जाने का मामला सामने आया है। यहाँ बिरिया बाबा के स्थान पर आज भी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं मेले में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बता दें कि यहां लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। फिलहाल अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आयोजकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। निगोही थाना क्षेत्र के गाँव कबीरपुर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने लोगों को लगातार समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। तिलहर में निर्माणाधीन रोड पर जलभराव होने से राहगीरों व स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड निर्माण के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले एकलव्य छात्र शक्ति सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष आनंद यादव ने इस रोड निर्माण में राजनीतिक द्वेष भावना के तहत काम न कराए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही नगर पालिका प्रशासन पर भी लापरवाही बरतने का ठीकरा फोड़ा है। आपको बता देंगे, नगर के मोहल्ला निजामगंज में घोड़ी वाले बाबा के मंदिर से लेकर 12 पत्थर तक रोड का निर्माण किया जाना है। सिंधौली क्षेत्र के गांव भटपुरा रसूलपुर स्थित जेपी पब्लिक स्कूल द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। विद्यालय प्रबंधक अनिल गुप्ता ने विद्यालय के सभी बच्चों की 3 माह की स्कूल फीस और वैन का किराया माफ कर दिया है। फिलहाल उन्होंने सभी बच्चों से मोबाइल पर कराए जा रहे शिक्षण कार्य को समय से करने की अपील की है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते सभी शिक्षण संस्थान इन दिनों बंद हैं। वहीं विद्यालय द्वारा की गई फीस माफी की इस पहल की सभी अभिभावक सराहना कर रहे हैं। सिंधौली के भटपुरा रसूलपुर में पूर्व प्रधान ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को धूप और बरसात से बचने के लिए छातों का वितरण किया। विकासखंड क्षेत्र सिंधौली के गांव भटपुरा रसूलपुर के पूर्व प्रधान अनिल गुप्ता ने ग्राम पंचायत के सैकड़ों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को धूप और बरसात से बचने के लिए छातों का वितरण किया। छातों का वितरण गाँव के जेपी मंदिर प्रांगण में किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते शासन द्वारा इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। वहीं शासन के निर्देशों का पालन कराने के लिए अब अनाउंसमेंट करवाकर लोगों को कांवड़ यात्रा पर लगी रोक के लिए बताया जा रहा है। आज प्रशासन द्वारा जरियनपुर चौराहे पर अनाउंसमेंट करवाकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ढाई घाट गंगा स्नान पर भी रोक लगा दी गई है।
किसानों की तमाम मांगों को लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी ने प्रधानमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन की मांग है कि बिजली बिल को आधा किया जाए, वहीं किसानों का कर्ज भी माफ किया जाए, साथ ही डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्दी उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वह आगे की रणनीति तय करेंगे। आज तिलहर नगर में हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष संजीव कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर स्थित शहीद कुटी पहुंचकर कानपुर में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तिलहर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तिलहर नगर पालिका प्रशासन ने नगर के दोदराजपुर स्थित शमशान घाट में आज पौधारोपण किया। इस दौरान नगर पालिका के द्वारा करीब 300 पौधों को रोपित किया गया। पसमांदा मुस्लिम समाज की एक खास बैठक सिंधौली में आयोजित की जाएगी। पसमांदा मुस्लिम समाज के तिलहर विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 जुलाई को सिंधौली स्थित उनके आवास पर संगठन की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य तिलहर विधानसभा में पदाधिकारियों का फिर से चयन किया जाएगा। साथ ही यह भी जानकारी दी, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बैठक का आयोजन किया जाएगा।